Good morning students. Now I am again in front of you. आज कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं एक्सरसाइज, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी एक्सरसाइज 1.1 का. 1.1 में क्वेश्चन 5 तक हो गया था. आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा. आज बात करनी मुझे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट. देखिए डायरेक्शंस पहले क्लियर होने चाहिए. अपनी कॉपी पे इस तरह से एरो बनाइए. ऊपर क्या होता है? चलिए पहले हम टाइम से बता देते हैं. घड़ी क्या होती है? इस तरह से होती है ना, ऐसे तो होता है. यहां पे 12 होता है, यहां पे 3 होता है, यहां पे 6 होता है, यहां पे 9 होता है. ठीक है, घड़ी तो क्लियर है सबको. ठीक है, जहां 12 बजता है वहां पे हम कर लेते हैं नॉर्थ. नॉर्थ जैसे अपोजिट होता है साउथ. ये बात समझ गई? 3 पे होता है ईस्ट. 3 इस तरह से लिखा जाता है. आप 3 को इस तरह से कर दो, बन गया ईस्ट. बात समझ गई? और ये क्या हो गया? ईस्ट के अपोजिट वेस्ट. ये क्लियर हो गया होगा. ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं. रीता जाती है 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट. सपोज दैट यहां से रीता चलना शुरू की है और यहां से 20 किलोमीटर यहां पहुंच गई है. 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट. ठीक है, पॉइंट ए टू बी. ये पॉइंट क्या था हमारा? ए था. यहां पहुंच गई है, सॉरी ईस्ट में जा रही है ना, वेस्ट में जा रही है. ईस्ट में जा रही है, यहां से यहां जा रही है. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. ये कितना है? 20 किलोमीटर. ठीक है, ए टू बी रीता कोर्स कर ली. फ्रॉम बी टू मूव 30 किलोमीटर वेस्ट. अब यहां से बी से 30 किलोमीटर और मूव कर गई वेस्ट की तरफ. कहां भाई? 30 किलोमीटर गई है इस बी से यहां तक का 30 किलोमीटर मूव की है और ये 20 किलोमीटर यहां से यहां तक था. ओके, एंड इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट रिप्रेजेंटेड पॉजिटिव. ईस्ट में जो जा रही है वो पॉजिटिव में जाएगी, तो वेस्ट में जो जाएगी वो किससे जाएगी? नेगेटिव साइन के साथ जाएगी. तो वेस्ट में जो जाएगी वो नेगेटिव साइन होगा. बात समझ आ रही है? इसके बाद क्या रहा है? How will you, ये तो हो गया, by which integer will you represent the final position from A? A से यहां तक का जहां ये पहुंची है पॉइंट सी तक का, इसको हम क्या बताएंगे? किस पोजिशन पे पहुंची है? चलिए इसके बारे में हम मेंशन कर लेते, फटाफट लिख लेते हैं. रीता MOVES moves from A to B. कितना भैया? ईस्ट में, सॉरी हाँ ईस्ट में गई थी. ईस्ट में गई थी, ईस्ट का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो प्लस 20 किलोमीटर. ठीक है, आइदर 20 किलोमीटर ईस्ट, ई ए एस टी ईस्ट. नेक्स्ट में लिखेंगे प्लस 20 किलोमीटर, चूंकि ईस्ट को क्या किया गया? ईस्ट डिनोटेड बाई पॉजिटिव साइन. एंड रीता मूव्स अगेन, रीता मूव्स फ्रॉम बी टू सी. बी टू सी क्या भैया? 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट. 30 किलोमीटर वेस्ट. वेस्ट में क्या है? वेस्ट की डायरेक्शन क्या होगी? यहां पे पहले लिख लेते हैं. इफ इफ डिस्टेंस कवर्ड वेस्ट डायरेक्शन, डिस्टेंस सी ओ वी आर ई कवर्ड इन ईस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन आर ई पी आर ई एस पी एन टी ई डी रिप्रेजेंटेड बाई पॉजिटिव साइन, देन द डिस्टेंस कवर्ड इन वेस्ट डायरेक्शन इज नेगेटिव साइन. ओके, ये कॉपी में पहले यही नोट डाउन कर लेंगे हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो डिस्टेंस कवर्ड की जा रही है इस डायरेक्शन, उसे पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो क्या होगा? तब डिस्टेंस कवर्ड की जाएगी वेस्ट डायरेक्शन, उसे हम नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे.
ओके तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 30 किलोमीटर, ठीक है माइनस 30 किलोमीटर। देन फाइनली ये पूछा पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम रीता, पोजीशन फ्रॉम क्या लिखते हैं रीता, रीता आर आई है यहां पे, रीता रीताज फाइनल एफ आई एल ए एल फाइनल पोजीशन फ्रॉम बी बी सॉरी फ्रॉम ए, ए से पूछा गया ना ए इज इक्वल टू क्या होगा, पहले तो भैया ये यहां से थे बी में क्या था ए टू बी प्लस 20 था तो मैंने लिख दिया प्लस 20 और फिर ओवरऑल माइनस में 30 माइनस 30 ठीक है क्या हुआ भाई माइनस 10 किलोमीटर ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। माइनस में है, माइनस का मतलब क्या होता है माइनस साइन का मतलब वेस्ट डायरेक्शन में, तो रीताज फाइनल पोजिशन नोट करिए इसे नोट करिए फटाफट आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा ओके फिगर रिलेज कर देते हैं रीताज फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए इज 10 किलोमीटर रीताज फाइनल पोजिशन इज ओनली रीताज फाइनल पोजिशन इज 10 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट ए ठीक है आई होप समझ में आ गया होगा फटाफट नोट कर ले इसे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझे ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को आता होगा आप नोट कर ले फटाफट इसे तब तक हम रिलीज कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि मैजिकल स्क्वायर्स की कौन सा मैजिकल स्क्वायर है मैजिकल स्क्वायर क्या भी इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं मैजिकल स्क्वायर होता क्या है एक मैं बता देता हूं एक आप कर लेंगे कुछ इस तरह से बॉक्सेस दिए गए आपको ठीक है क्वेश्चन को वन ले लेता हूं मैं 5 - 5 जीरो 3 - 2 - 1 - 4 - 7 - 3 देखिए क्या है अगर इस तरह से है तो सबसे पहला मैं क्या करूंगा सपोज दैट यही मैं बना लेता हूं बॉक्स ठीक है इसमें मैजिकल मुझे मैजिकल स्क्वायर चेक करना तो पहले इस रो को मैं चेक करूंगा फिर इस रो को चेक करूंगा फिर इस रो को चेक करूंगा तीनों रोज चेक करेंगे फिर तीनों कॉलम चेक करेंगे ठीक है फिर डायगोनल चेक करेंगे अगर तीनों बराबर आते हैं तो मैजिकल स्क्वायर है तीनों बराबर नहीं आते हैं तो मैजिकल स्क्वायर नहीं है ठीक है बातें आई होंगी समझ में आ गई होंगी हम चेक कर लेते हैं स्टेप वन स्टेप वन स्टेप वन क्या होगा भाई स्टेप वन में पहले मैंने बताया फर्स्ट रोज के लिए 5 + -5 + 0 क्या आएगा भाई 5 - 5 - 5 + 0 दैट मीन्स 5 - 5 = 0 स्टेप वन में 0 आ गया ठीक है स्टेप टू की बात तो करता हूं स्टेप टू क्या होगा स्टेप टू क्या होगा भाई स्टेप टू अगेन सेकेंड रो में क्या है -1 + -2 + 3 -1 - 2 + 3 दैट मीन्स -1 - 2 - 3 हो गया -3 + 3 दैट मीन्स 0 हो गया ये भी 0 हो गया ठीक है बात समझ में आ गई स्टेप थ्री की बात करता हूं स्टेप थ्री में क्या होगा इसको बात कर लू -4 + 7 - 3
ठीक है, चलिए ठीक है। माइनस फोर माइनस सेवन, माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन हो गया, प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, इसका थ्री भी जीरो हो गया। ठीक है, हमारा ये सारे क्लियर हो गए। ठीक, अब मुझे कॉलम्स को लेना है। स्टेप फोर, स्टेप फोर में चलना है, फाइव को लेना है, फाइव प्लस माइनस वन प्लस माइनस फोर। ठीक है, फाइव एंड माइनस वन माइनस फोर क्या हो गया भाई, फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। सेम टू सेम आपकी कॉपी में राइट होना चाहिए, सेम टू सेम आपकी कॉपी में राइट होना चाहिए। देखिए सारे बराबर आ रहे हैं, स्टेप वन जीरो, स्टेप टू जीरो, स्टेप थ्री जीरो, स्टेप फोर जीरो, मतलब इनका सम भी जीरो आ गया है, इनका सम भी जीरो आ गया, इनका सम भी जीरो आ गया, इनका सम भी जीरो आ गया। चार स्टेप मैंने निकाला है, बाकी स्टेप फिफ्थ की बात मैं करता हूं, बाकी नोट कर लीजिए आप। स्टेप फिफ्थ में क्या होगा, स्टेप फिफ्थ ये वाला है, माइनस फाइव प्लस माइनस टू प्लस सेवन, दैट मीन्स माइनस फाइव माइनस टू, ओके, माइनस सेवन प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, और नो दिस वन आल्सो भी जीरो। क्लियर, पांच स्टेप तक हम पहुंच गए हैं, अभी तीन स्टेप और बाकी हैं। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा, मजे आ रहे ना सॉल्व करने में। फिर तो क्या स्टेप सिक्स की बात मैं करता हूं, स्टेप सिक्स ये वाला है, ये जीरो हो गया, प्लस में थ्री हो गया, प्लस में माइनस ऑफ थ्री हो गया, क्या हो गया, जीरो प्लस थ्री माइनस थ्री, दैट मीन्स प्लस थ्री माइनस थ्री जीरो जीरो। स्टेप सिक्स क्लियर हो गया, ओके। स्टेप सेवन की बात कर लेता हूं, स्टेप सेवन में क्या होगा, ये भी जीरो आ गया आपका। देखिए स्टेप तीनों हो गए जीरो, डायगोनल्स की बात थी, डायगोनल ले लेंगे, ये वाले डायगोनल्स, चलो ये ले लिया, फाइव प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, तो ये क्या हो गया, फाइव माइनस टू माइनस थ्री, फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, गुड। स्टेप सेवन हो गया, एट की बात मैं करता हूं, स्टेप एट में क्या होगा, ये भी जीरो आ गया। स्टेप एट में इधर वाले का मुझे चेक कर लेते हैं भाई, एक हो गया माइनस टू प्लस माइनस टू और प्लस जीरो, ठीक है, माइनस फोर माइनस टू प्लस जीरो, दैट मीन्स माइनस सिक्स, माइनस सिक्स। देखिए सारे तो बराबर आ गए, यहां तक तो मैस्कुलिन स्क्वायर की प्रॉपर्टी फॉलो हुई, बट स्टेप एट इज नॉट इक्वल्स टू ऑल अदर स्टेप्स। दस याद हो गया, आप सभी नोट कर लिया, ओके। यहां देखेंगे नौ अदर दस लिखते नौ स्टेप, वन इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू थ्री इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू फोर इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू सिक्स इज इक्वल टू सेवन बट नॉट इक्वल टू एट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसको आपको लिखना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बोला हूं, ठीक है, या आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। दस वी कैन से दैट, दस वी कैन से दैट द गिवन स्क्वायर इज नॉट अ एम ए जी आई सी ए एल मैजिकल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, बात समझ में आ गई। इसके मतलब फाइनल स्टेप क्या हुआ भैया, सभी बराबर हुए, स्टेप नंबर एट बराबर नहीं हुआ, इसलिए क्या है, ये जो ये गिवन स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है वो क्या है, मैजिकल स्क्वायर नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना, कमेंट करें और फटाफट से नोट करें, आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है, सेवन का बी पार्ट आप करेंगे, करके व्हाट्सएप पे अदर कमेंट बॉक्स में लिखकर मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे इस पे कि किसका किसका सही है, किसका किसका नहीं है।
अगर तो लग रहा हो मैं बहुत तेज चल रहा हूं तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लंबा ना बनाने की वजह से थोड़ा सा तेज चलना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात मुझे करनी है, वेरीफाई करना है a माइनस ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये वेरीफाइड करना है। जबकि क्वेश्चन दिया गया वैल्यूज ऑफ ए दिया है, एक मैं बता देता हूं बाकी आप करेंगे। a इज इक्वल टू दिया है 21 एंड b इज इक्वल टू दिया है 18, पटाक से करना है। तो क्या बचा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन एबव इक्वेशन, एबव इक्वेशन भाई इक्वेशन तो हमारा यही है ना, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं और फिर एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस जब लिया ए माइनस ऑफ माइनस बी है, ए क्या है, ए हमारा 21 है माइनस ऑफ माइनस 18, ब्रैकेट ओपन हुआ 21 माइनस 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 हो गया ये प्लस 18, 21 और 18 क्या हो गया भाई 39, ओके। अब आरएचएस निकाल लेते हैं, आरएचएस ले लिया हमने, आरएचएस क्या है भाई 21 प्लस 18 डायरेक्ट ऐड कर लो 39, क्योंकि LHS is equal to RHS, जो क्लीविंग प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड, ये क्या हुआ वेरीफाइड, ये आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आप सभी को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यहां पे मुझे क्या करना है, साइन को पहले से मेंशन कर ले, नोट डाउन कर ले फटाफट, हाँ बाकी जितने भी बच्चे हैं आप करके दिखाएंगे फटाफट, ओके इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मुझे अप्रोप्रिएट साइन को यहां पर फिल करना है, साइन फिल करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 एक बता देता हूं बाकी आप करेंगे, माइनस 8 प्लस माइनस ऑफ 4 बॉक्स है, ठीक है, माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 4, ठीक है। फिर यहां ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा भाई, माइनस 8 माइनस 4 सेम साइन है, सेम साइन है ना, सेम साइन की मैंने क्या बताया था, सेम साइन को फिल करें भैया जोड़ दिया जाता है तो 8 एंड 4 12 हो गया, तो माइनस 12 आ गया, क्लियर, आओ समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इधर की बात कर लेते हैं एलएचएस पार्ट की, ये माइनस 8 है माइनस माइनस प्लस हो गया ये 4 हो गया, बड़े देखो अपोजिट साइन आ गई, अपोजिट साइन में क्या मैंने बताया था, बड़े की साइन लगती है बड़े में छोटे सेपरेट करते हैं, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा। अभी मतलब माइनस 12 बड़ा है या माइनस 4 बड़ा है कैसे पता चलेगा, तो आते हैं अपने इंटीजर्स वाले कॉन्सेप्ट पे। इंटीजर्स वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, यहां 0 होता है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 1 2 3 4 5, ये हमें पता है जीरो से जो सबसे राइट में होता है, जो राइट तरफ में होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, कहीं पर भी जो सबसे राइट में होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, तो माइनस 12 यहां पर ही आएगा ना, माइनस 4 ये है तो राइट में कौन सा है, राइट में आई हो माइनस 4 है तो भाई माइनस 4 बड़ा है, जो बड़ा है बड़े की तरफ मूवमेंट कर देते हैं, तो यहां पर ये वाली साइन लग जाएगी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया कि नहीं है, अगर ये बड़ा होता तो यहां पर मैं ये वाला साइन लगा लेता, फिलहाल बड़ा नहीं है, अगर बराबर होता तो ये वाला साइन लगा लेता, ये बराबर भी नहीं है, ठीक है, तो यहां पर ये साइन इसमें मेंशन कर दी जाएगी, ओके। अब देखिए जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं बी सी डी ई पार्ट, उसे आप कॉपी में करेंगे, कॉपी में करेंगे और टेंथ क्वेश्चन प्रयास करेंगे सॉल्व करने का, टेंथ क्वेश्चन आप प्रयास करेंगे सॉल्व करने का, सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा लंबा वीडियो चाहिए, इसमें कॉन्सेप्ट है समझाना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा लंबा वीडियो हो, इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लेके उसमें डिस्कस कर दूंगा। ओके गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।